हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉयन पोर्टल के बारे में या फिर लियो पोर्टल के बारे में। एंड ये जो दिन है ये साल में एक बार आता है, ये पोर्टल साल में एक बार खुलता है एंड ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है। अगर आप कोई भी अपने इंटेंशन को यूनिवर्स में देना चाहते हो देन डेफिनेटली यू शुड डू लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स, या फिर अगर कोई भी स्पेल वर्क आप इस टाइम पे, इस पोर्टल के टाइम पे करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके खुद के मैनिफेस्टेशंस के लिए। बेसिकली ये जो पोर्टल है ये पड़ रहा है 8 अगस्त 2022। ये साल में एक बार ओपन होता है। आप इसे लॉयन पोर्टल बोल सकते हैं, आप इसे लियो पोर्टल बोल सकते हैं, आप इसे लियो गेट बोल सकते हैं, लियो पोर्टल गेट बोल सकते हैं, आपको जो समझ आता है आप इसे बोल सकते हैं। बट ये जो टाइम है ये बहुत ऑस्पिशियस है। अभी इसका एक और प्लस पॉइंट एज पर न्यूमरोलॉजी अगर हम देखें इस चीज़ को, इसकी डेट जो निकल के आती है दैट इज 8/8/2022। अगर आप इसकी पूरी डेट को यू नो नॉर्मल ऐड करेंगे, टोटल करेंगे इसका, ये बनता है 22। कुछ बहुत ही यू नो ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी में मास्टर नंबर्स होते हैं जिसमें से 22 एक है, तो इसकी इस दिन की पावर को ये और इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे कि लियो है, राइट। लियो इज कनेक्टेड टू सन एनर्जी, राइट। एंड एक और चीज़, जिनका भी बर्थडे पड़ रहा है 8 तारीख को, 8 अगस्त को जिनका बर्थडे है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। एंड अगर आपका इस दिन बर्थडे है देन डेफिनेटली आप इस टाइम पे कोई भी रिचुअल, कोई भी विश आप मांग सकते हो, आपको बहुत अच्छे से आपकी जो विश है मैनिफेस्ट होके मिलेगी। मतलब ये एक यू नो पोर्टल्स जो होते हैं वो आपको डायमेंशन में लेके जाते हैं, दूसरी डायमेंशन में लेके जाते हैं। अगर आपने 2 कप मेथड्स के बारे में सुना होगा, उसमें ये बोलते हैं कि एक डायमेंशन से हम दूसरी डायमेंशन में जंप कर रहे हैं, तो ये वही है। जो ये पोर्टल है ये आपको एक पॉजिटिव डायमेंशन में लेके जाएगा एंड आपकी मैनिफेस्टेशंस वहां पे सेट होंगी। एंड जब ऐसा होगा आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत यू नो लोग ध्यान नहीं देते हैं। कुछ कुछ ऐसे बहुत पोर्टेंट दिन होते हैं, अगर आप उस टाइम पे अपनी विशेस को मांगते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, मैं मोस्टली जनरली मैं हर एक पोर्टल पे मोस्टली वीडियो नहीं बनाती हूँ। जब अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, मैं उन्हीं पर वीडियो बनाती हूँ। स्पेशली जैसे फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, मैं इस पर बनाती ही बनाती हूँ बिकॉज मैं पर्सनली भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। एंड ये लियो पोर्टल है ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है, आप इसको बिल्कुल भी जाने मत दें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की एंड जान लेते हैं कि आप इसे किस किस टाइप के स्पेल वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आपकी कोई भी विश है, ऐसा कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी कोई भी विश है, लव से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, हेल्थ से है, कुछ भी आपके माइंड में जो भी गोल है आपका, ठीक है, आप इस टाइम पे उस इंटेंशन को सेट कर सकते हो। अगर हम 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर जो है ग्रोथ के लिए है, सक्सेस के लिए है, करियर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए है। बेसिकली शनि का नंबर भी है एज पर न्यूमरोलॉजी, शनि का नंबर भी है 8 नंबर, 8 सैटर्न का नंबर भी है। एंड जब आपका सैटर्न पॉजिटिव होता है तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से सक्सेस मिलती है। ठीक है, सैटर्न अगर आपका नेगेटिव है तो आपको स्ट्रगल दे सकता है, नो डाउट। बट अगर सैटर्न जो है वही सैटर्न जो है आपको बहुत कुछ दे के भी जाएगा, तो सैटर्न इज नॉट नेगेटिव बाय द वे। अगर आप मेहनत करोगे, सैटर्न जो है वो हार्ड वर्क मांगता है, ठीक है, मेहनत करो, जिसने मेहनत कर ली वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा ही जाएगा, नो डाउट। सैटर्न का सिंपल सा फंडा ये है, अगर आप करियर वाइज बहुत आगे जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस टाइम पे स्पेल वर्क टेक्निक्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं यू नो एज एन रेमेडी ही काम करता है। दैट्स व्हाई काफी से लोग हैं कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में चार्ट में ही सब चीजें बोली गई थी कि ऐसा होगा, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया कैसे हो गया। ऑब्वियसली ये भी एक रेमेडी की तरह ही काम करता है। जब मैं एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी में इस चीज में आई तब आई अंडरस्टूड कि हाँ ये एक्चुअली में एज अ रेमेडी काम करता है। जरूरी नहीं है कि आपको यू नो और चीजें करनी पड़े, आपको बहुत लंबे लंबे रिचुअल्स करने पड़े। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आल्सो वर्क्स एज अ रेमेडी। ठीक है, तो अगर हम इस दिन की बात करें, इंपॉर्टेंट दिन है मैनिफेस्टेशन के लिए, कोई भी विश के लिए इसे यूज किया जा सकता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आप यू नो कोई भी लाइफ में नई चीज को यू नो स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आपके पास आइडिया नहीं है, आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो, एक नई फाउंडेशन रखना चाहते हो, बट आपके पास आइडियाज नहीं, या फिर कुछ नई बिगनिंग आप इन शॉर्ट करना चाहते हो, आप इस टाइम पे उससे रिलेटेड विश को ले सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फायर एलिमेंट भी यहाँ पर है करंटली। फायर एलिमेंट जहाँ पे होता है वो काम जल्दी जल्दी होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी ऐसी विश है आपकी जो आप जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इन दैट केस एज वेल आप इस टाइम पे टेक्निक्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स या स्पेल वर्क रिचुअल्स कर सकते हो, या फिर इन शॉर्ट कुछ भी अगर आप जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप इस टाइम पे उस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक अप्लाई कर सकते हो।
अब जैसा कि मैंने कहा है कि लियो एनर्जी है, सन एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, 22 की एनर्जी है, अगर इन करियर आप यू नो कोई भी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, या फिर यू नो जैसे सन कनेक्टेड है, सन इज कनेक्टेड यू नो गवर्नमेंट एज वेल, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट, या पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हो, इन शॉर्ट अपना पॉलिटिकल करियर भी बनाना चाहते हो, आप तब भी इस टाइम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप ऑलरेडी एक जॉब पे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, आप यू नो लाइफ में सक्सेस चाहते हो, अपनी जॉब में सक्सेस चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, आपकी जो भी जॉब हो आप चाहते हो आपको उसमें सक्सेस मिले, तो भी आप यू नो इस टाइम पे रिचुअल्स को कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं, अब जैसे कि ये कनेक्टेड है सन से भी, सन नेम फेम सक्सेस यू नो ग्रोथ लाइफ में अगर आप यू नो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ग्रोथ या नेम फेम सक्सेस जो भी आपका गोल है, तो डेफिनेटली आप इस टाइम पे इस इंटेंशन के साथ भी अपने रिचुअल्स या फिर अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा काम है रिलेटेड टू गवर्नमेंट, काफी टाइम से डिले हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है, प्रोकास्टिनेशन हो रहा है, तो आप इस टाइम पर डेफिनेटली अपने इससे रिलेटेड भी इंटेंशन को सेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं करना क्या है, मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगी, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उसको पिक करके आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो भी करोगे ट्रस्ट के साथ करना है, पूरे पॉजिटिविटी के साथ करना है, मैं इसे हमेशा बोलती हूँ, हमेशा बोलती रहूंगी। एंड एक और नेक्स्ट चीज, आपकी वाइब्रेशंस मैटर करती हैं, आप कितना पॉजिटिव हो अपनी विश को लेके, आप खुद कितना पॉजिटिव हो, अगर आप बहुत डेस्परेट मोड में हो, आप बहुत यू नो गुस्से में हो, देन प्लीज डोंट डू इट, ठीक है। अगर आप इस टेक्निक को इन चीज़ों को करते हो तो अच्छे से माइंड शांत हो, माइंड काम हो, एंड आप अच्छा फील कर रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में, इस चीज का आपने ध्यान देना है। जब भी आप टेक्निक्स करते हो या कुछ भी आप करते हो, स्पेल वर्क करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स अप्लाई करते हो, कुछ टाइम के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रखें, बस सिंपली आपने सारा का सारा फोकस अपने आप पे करना है, अपने उस रिचुअल पे करना है, दैट इज इट। आपने इस चीज का ध्यान देना है, जब भी आप टेक्निक करते हो पॉजिटिविटी के साथ करनी है, वरना प्लीज मत करो, बहुत सिंपल चीज है। पहली चीज आपने क्या करनी है, पेपर लेना है, पेन लेना है, पेन आप ब्लू कलर के पेन के साथ आप काम कर सकते हैं, कोई भी आपकी विश है, कुछ भी है, आपने एक लेटर लिखना है यूनिवर्स को कि डियर यूनिवर्स, एंड आपने ऐसे सपोज कोई प्रॉब्लम है आपकी या फिर कोई भी आपकी विश है ऐसी जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपने यूनिवर्स को थैंक यू लेटर लिखना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा ये काम हो चुका है। सपोज करें आप एग्जाम मैनिफेस्ट कर, आप कोई एग्जाम में सक्सेस मैनिफेस्ट आप करना चाहते हैं कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, मेरे इतने मार्क्स आए, व्हेन मैंने अपने एग्जाम का अपनी फैमिली को बताया, अपने रिजल्ट का अपनी फैमिली को बताया, दे वर सो हैप्पी, वो मुझ पर प्राउड फील कर रहे थे, एक एक चीज को आपने उस लेटर में लिखना है इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, एंड जो भी आपकी लाइफ में करंट प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, सबको साइड में रखे, यू हैव टू डू दैट, ठीक है। जब आप पूरी अपनी कहानी लिख देंगे, आपने नीचे राइट या लेफ्ट डजंट मैटर, आपने अपना नाम लिखना है, नीचे अपना साइन कर देना है कि हाँ ये मेरी तरफ से है, एंड जो लेटर होगा आपने ऐसे लिखना है जैसे कि वो चीज आपकी हो चुकी है, ठीक है, आपका जो एग्जाम है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, ठीक है, या फिर आपको जो भी जॉब है आपको मिल चुकी है, इस तरीके से। अब आपने इस लेटर को 3 बार आपने पढ़ना है, ठीक है, बोल बोल के पढ़ना है, विजुलाइज करते करते फोकस के साथ पढ़ना है 3 बार, इसके बाद जस्ट बर्न कर देना है, इसकी एशेस को हवा में ब्लो कर देना है, एंड दैट इज इट। एक तो ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, आपने बे लीफ लेनी है या फिर तेज पत्ता लेना है, आपने उस पर ये सिजल ड्रॉ करना है, ठीक है, एंड जो भी आपकी विश है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा काम हो चुका है, ऐसे आपने उस पे बेलीफ पे लिख देना है, अपने हाथ को ऐसे रब कर देना है, एक हीट जनरेट होगी, ठीक है, आपने बेलीफ को रखना है, उसको कवर अप करना है, एंड अच्छे से विजुलाइज करना है, ठीक, विजुलाइज करने के बाद उसको बर्न कर देना है, एंड जब बर्न होगा यू हैव टू थिंक कि अब जो इसका स्मोक है ये यूनिवर्स में जा रहा है, एंड आपकी विश डेफिनेटली वापस आएगी, ऐसे करके फिर सेम वे आपने उसको ब्लो कर देना है, हमें डिस्कार्ड कर देना है, दैट इज इट। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप यू नो इन दोनों में से कुछ नहीं करते, अगर आप सिंपली इस चीज को लास्ट वाले पॉइंट को कर लेते हैं, ट्रस्ट मी बहुत इजीली आपकी जो भी विश है वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। बट हाँ, आपने वाइब्रेशंस का ध्यान रखना है, मेक श्योर जो भी करे पॉजिटिविटी के साथ करे, अपनी आंखें बंद करनी है, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है, मतलब सी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, टाइम के चक्कर मत पड़ना, अदरवाइज सब कुछ मैसअप हो जाएगा, जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हैं,
पहली चीज आपने क्या करनी है, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें, अपनी सांसों पे ध्यान दें, कैसे वो इनहेल एंड एक्सहेल हो रहा है, आपका पेट कैसे अंदर बाहर हो रहा है, आपकी चेस्ट से कैसे वो सांस जा रही है, आपकी नाक से वो सांस कैसे निकल रही है. जस्ट सिंपल ऑब्जर्वेशन करना है, अपनी सांस पे फोकस करना है. जब आपको लगेगा कि आप काफी डीप जा चुके हैं, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने एक नॉर्मल रूम विजुलाइज करना है. ठीक है, अब जो नॉर्मल रूम है वहां पे एक डोर है, दरवाजा है. ठीक है, अब जो डोर है, दरवाजा है, वहां पे 88 लिखा हुआ है उस दरवाजे बड़ा बड़ा कि 88. ठीक है, बेसिकली जो 88 है ये पोर्टल है, ये आपको दूसरे डायमेंशन में लेके जाएगा, जो टाइमलेस डायमेंशन है वहां आपको ये लेके जाएगा. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस डोर को ओपन करना है एंड अंदर जाना है. अब एक बहुत बड़ा हॉल आप देखते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ी सी वाइट स्क्रीन है. ठीक है, बहुत वाइड है एंड वाइट स्क्रीन है. ठीक है, जहां पे आप अपनी विश को विजुलाइज करेंगे. अब आपने क्या करना है, जो आपके सामने वाइट स्क्रीन है, आपने उस पे अपनी जो भी इंटेंशन है, जो भी विश है, आपने उस पे उसको प्ले करना है अपने माइंड में. यू हैव टू विजुलाइज कि आपकी जो भी स्टोरी है वहाँ पे प्ले की जा रही है, कि कैसे आपने वो स्पेसिफिक गोल जो है उसको अट्रैक्ट किया है, मैनिफेस्ट किया है, अचीव किया है. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करनी है, ध्यान देना है इस चीज़ पे आपने, आपने जब भी आप ये सब चीज़ें देखेंगे, आपने अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स को पूरा इंटैक्ट रखना है एंड अपना ध्यान सारा का सारा इस मूवी पे रखना है. ठीक है, अगर आप बहुत इमोशनल होते हो, कभी कभी रोते हो, रोना आता है, टीयर्स आते हैं, प्लीज डू इट, बिकॉज इमोशंस ऐसे रिक्वायर्ड हैं इस टाइम पे. ठीक है, तो आपने अच्छे से हर एक चीज को फील करना है, उसमें इमोशंस ऐड करने हैं, मेक इट लाइक वेरी रियल. आप जितनी उसमें डिटेलिंग ऐड करोगे, आप जितनी छोटी छोटी चीजें उस मूवी में ऐड करोगे, उतना आपकी विश के लिए अच्छा है. आप जितना उसको रियलिस्टिक बनाओगे, वो आपके सबकॉन्शियस पे इम्पैक्ट देगा. ठीक है, यहाँ पे एक ये भी गोल है, तो आप इस चीज को समझो. जब आपका ये हो जाएगा, आपने सिंपली क्या करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है एंड धीरे 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 अपनी आईज को ओपन कर लेना है. आपने ये चीज करनी है, एक तो ये चीज आप कर सकते हो. अभी एक और चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, आपने क्या करना है, आपने एक पेपर लेना है, आपने पेपर के चारों कॉर्नर्स पे, पेपर प्लेन हो अगर आप इस चीज का ध्यान रखें तो बेटर होगा, प्लेन पेपर आपने लेना है, रेड पेन लेना है आपने, एंड चारों तरफ पेपर के चारों तरफ आपने 8888 लिख देना है. ठीक है, चारों तरफ. उसके बाद आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपनी विश को इस सर्कल के अंदर रखना है. ठीक है, लिखना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा ये काम हो चुका है. आपने ऐसे करना है. इसके बाद आपने क्या करना है, पहले 8 जो चारों तरफ 8 है, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, धीरे धीरे पहले जितने भी 8 है उन सबको आपने गेज करना है, आपने स्टेयर करना है, उनको देखना है, देखते रहना है. 8 जो है वो इन्फिनिटी भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है. अब जब आपके चारों 8 ये गेज हो जाएंगे, आपने क्या करना है, आपने सर्कल का जो भी आउटर जो लाइनिंग है सर्कल की, आपने उसको ध्यान से देखना है. ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो आपकी विश है, जो आपने एफर्मेशन लिखी हुई है, आपने उस पर फोकस करना, आपने उसको गेज करते रहना है, करते रहना है. उसके बाद आंखें बंद करनी है, गेज करते रहना अच्छे से. जब आपको लगेगा कि आपने काफी अच्छे से काफी टाइम दे दिया है गेजिंग प्रोसीजर में, आपने नेक्स्ट क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है, इसको विजुलाइज करना है एंड इसे तब तक विजुलाइज करें जब तक आपका मन नहीं भर जाता है. 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपसे हो सकता है डू इट. ये जितना आपके सबकॉन्शियस में डीपली जाएगा ये उतना अच्छा है, तो टेक योर टाइम, आराम आराम से इसको करना है एंड आंखें बंद करके हर एक इमोशंस को फील करना है, जैसे कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है. ये चीज मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ एंड मेक श्योर आपकी वाइब्रेशंस अच्छी हो. वाइब्रेशंस अच्छी होंगी तो आपकी चीजें और जल्दी मैनिफेस्ट होंगी. जब आपकी चीज हो जाएगी, आपने क्या करना है, इसको बर्न कर देना है, इसकी एशेस को हवा में उड़ा देना है. That's it. ब्लो कर देना है हवा में. That is it. आप ये कर सकते हो. ये मैंने चार चीजें बताई हैं जो आप लॉयन पोर्टल के टाइम पे कर सकते हो, जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छी हैं. आप जरूरी नहीं है कि आपको सारी करनी है, आप इनमें से कोई भी टेक्निक अप्लाई कर लीजिए या कोई भी ऐसी एक पिक कर लीजिए जिससे आप कनेक्टेड फील करते हैं और आप इसे अप्लाई कीजिए. That is it. अपने आप को बिल्कुल प्रेशराइज ना करें कि ये भी करनी है, वो भी करनी है, ऐसे करनी है. मैं चीजें बहुत बता सकती हूँ, बट इट्स अप टू यू कि आप किससे कनेक्टेड फील करते हो ना, आप कैसे अपनी वाइब्रेशन यूनिवर्स में पुट करते हो. तो ये सब माइंड का गेम है, वाइब्रेशन का गेम है, तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है. सो ये था हमारा आज का टॉपिक. आई होप आप इसको अप्लाई करेंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे. ये जो पोर्टल है ये बहुत अमेजिंग है. डू ट्राई दिस, ये साल में एक बार आता है, ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल मिस मत करना. ठीक है, सो ये आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय.